जब अखबार और न्यूज चैनल की खबर सत्ता में बैठे हुक्मरान के प्रोपेगेंडा का हथियार बनकर रह जाए तो बहुत जरूरी होता है खबर की तह तक पहुंचना, जरूरी होता है राजनेता के मंसूबों को समझना। न्यूज चक्र एक ऐसा शो जो सत्ता में बैठे हुक्मरानों के मंसूबों तक पहुंचता है, एक ऐसा शो जो जनता को उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचाने वाले राजनेताओं की नब्ज को भी टटोलता है। तेरे में मैं अभिसार शर्मा, और कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर आपसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें आगे कीजिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के नफरती प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से है कि चाहे तनिष्क वाला मामला हो, चाहे हाथरस गैंगरेप वाला मामला हो, कथित गैंगरेप वाला मामला हो, या फिर महाराष्ट्र के अंदर संविधान की जिस तरह से अनदेखी की है वहां की राज्यपाल ने, इन सब की वजह से देश की साख पर भट्टा लग रहा है और देश का डंका बज रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं तनिष्क ज्वेलरी के इस विज्ञापन के बारे में जो बवाल का विषय बन गया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विज्ञापन चल रहा है। दरअसल इस विज्ञापन में होता क्या है कि एक हिंदू लड़की की शादी एक मुस्लिम घर में हुई है और जो उसकी मुस्लिम सास है उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही है और उसे एक जगह बिठाती है, और फिर वो जो हिंदू बहू है वो सवाल पूछती है कि अम्मा आपके यहां तो ये रस्म नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि बेटी, बेटियों को खुश करने की रस्म तो हर जगह होती है। एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञापन दोस्तों, मगर वो जो नफरती चिंटू है ना, उनके नफरती बयानों के चलते तनिष्क को अपने विज्ञापन पर अंकुश डालना पड़ा। कई लोगों का यह कहना था कि क्या तुम्हारी हिम्मत है ये एडवर्टाइजमेंट या ये विज्ञापन दिखाने की जिसमें लड़की जो है वो तो मुस्लिम हो और सास जो है वो हिंदू हो। मैं बताना चाहता हूं तुम्हें नफरती चिंटू, तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम होती है और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कल्पना करो उस विज्ञापन में क्या दिखाया जाता कि सास जो है वो हिंदू है और बहू जो है वो मुसलमान है, और जैसे ही सास जो कि हिंदू है अपनी बहू जो एक मुसलमान है उसे बिठाती है और वो मुस्लिम बहू कहती है कि मम्मी आप जो ये रस्म कर रही हैं ये तो हिंदू धर्म में होती नहीं, और उसके जवाब में मां कहती कि बेटी को खुश करने की रस्म तो हर जगह है, तुम लोगों को दिक्कत उसमें भी होती। तुम लोग इस बात को लेकर आपत्ति करते कि हिंदू लोग मुसलमान रीति रिवाज क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि तुम उस पर भी आपत्ति दर्ज करते। अब पढ़िए इस मुद्दे पर तनिष्क ने क्या प्रेस रिलीज जारी की है, और जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है दोस्तों, हर भारतीय को इसमें चिंता करनी चाहिए। क्या कहते हैं ये? द आइडिया बिहाइंड एकत्वम कैंपेन इज टू सेलिब्रेट द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि अलग अलग जगहों के अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ आने का ये जश्न है। लोकल कम्युनिटीज एंड फैमिलीज ड्यूरिंग दीज चैलेंजिंग टाइम्स एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ वननेस, यानी कि एकत्वम की खूबसूरती को का जश्न मनाना। द फिल्म हैज स्टिमुलेटेड डाइवर्जेंट एंड सीवियर रिएक्शंस कॉन्ट्ररी टू इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा मकसद नहीं था उसके बिल्कुल उलट इसको लेके प्रतिक्रियाएं आई हैं। हालांकि प्रतिक्रियाएं किसकी आई हैं? अंधभक्तों की, जो ऊपर से खाली हैं। मगर जो आखिरी पंक्ति है वो हमें चिंतित करना चाहिए। वी आर डीपली saddened विद द inadvertent stirring ऑफ इमोशंस एंड withdraw इज दिस फिल्म कीपिंग इन माइंड द hurt sentiments एंड well being ऑफ our फैमिली partners एंड स्टोर स्टाफ। फिर से पढ़िए। कीपिंग इन माइंड द hurt sentiments एंड well being ऑफ our employees, partners एंड स्टोर स्टाफ। यानी कि तनिष्क को इस बात का डर था कि उनका जो स्टोर स्टाफ है, उनका जो पार्टनर्स हैं, इनके जो मुलाजिम हैं, उन पर हमला हो सकता है। मैंने सोशल मीडिया में ये जो 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले संस्कारी आईटी सेल के गुर्गे हैं
उनमें से कोई ये कह रहा था कि हमने औकात दिखा दी। देखो किस तरह से गुजरात में एक शोरूम ने माफी मांग ली है। भैया तुम्हारी औकात वही 2 रुपए प्रति ट्वीट वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है नफरती चंपुओं। तुम ये इसलिए कर पाए हो क्योंकि केंद्र में भी सत्ता है। कौन है? बीजेपी। राज्य यानी कि गुजरात में भी किसकी सत्ता है? बीजेपी। यानी कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। 2014 से पहले तुम इसी तरह से अपने बिलों में बैठे हुए थे, तब तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई थी। और देखिए मुझे आपत्ति किसी और मुद्दे पर भी है। अब ये तस्वीर देखिए, ये शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं। उनके परिवार की बहुत खूबसूरत तस्वीर है और दोनों की शादी हिंदू लड़कियों से हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, निजी तौर पर मैं शहनवाज हुसैन को जानता हूं, मेरे दोस्त हुआ करते थे, अब भी हैं यानी मैं नहीं जानता हूं। बहुत ही खूबसूरत परिवार हैं ये दोनों, और बेशक हिंदू लड़कियों से शादी हुई हो या जो भी हो, मगर एक सामंजस्य है, एक बहुत प्यार है आपस में, सही मायनों में एकत्वम की बहुत खूबसूरत मिसाल है। मगर क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? बताओ इस मुद्दे को लेकर तुम्हारी बोलने की हिम्मत होती है? अब ये भूल जाइए, ये खबर देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। भाजपा के महामंत्री संगठन की भतीजी की शादी में जुटे दिग्गज। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी रविवार को होटल ताज में हुई। श्रेया ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े फैजान करीम के साथ शादी की। शादी में राज्यपाल राम नायक, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत यूपी सरकार के तमाम मंत्री वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। जब आपकी बेटी किसी से मोहब्बत कर ले तब अमूमन क्या होता है? देखिए देश के कई हिस्सों में मां बाप उस बेटी को ही मार देते हैं, मगर अगर आप सभ्य हैं और अगर आप में अकल है तो तब आपको इस तरह से घुटने टेकने पड़ते हैं। मुझे आपत्ति इस दोहरे मापदंड पर है। मैं आपको बता दूं, बहुत खूबसूरत मिसाल है रामलाल जी की भतीजी की, मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए आपको मूर्ख बनाया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है क्योंकि इनके पैमाने अलग हैं और आपके पैमाने अलग हैं। वो जो मर्जी करेंगे, मगर आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप कुछ और करें। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं दोस्तों। दरअसल दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, ये लोग कह रहे थे कि अगर मुसलमान लड़की होती या अगर विज्ञापन करना ही था तो मुसलमान लड़की जो है उसको बहू बताते और जो सास है वो हिंदू बताते। आप जानते हो क्या जतलाता है? ये लोग लड़की को, महिला को अपनी जागीर समझते हैं। और इसके लिए मैं आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूं। यानी कि अगर लड़की हिंदू हो तो मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई लड़का तो है वो तो मुसलमान है। उसी तरह से लड़की अगर मुसलमान हो और लड़का अगर हिंदू हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, वरना हम लव जिहाद का नाम दे देंगे। लड़की क्या तुम्हारी जागीर है? मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। यह फिल्म याद है आपको, बॉम्बे? उस वक्त जब यह फिल्म रिलीज हुई थी दोस्तों तो बहुत बवाल हुआ था और इस पर मुसलमानों ने बहुत आपत्ति जतलाई थी। क्यों? क्योंकि लड़कियां मुसलमान थी और लड़का हिंदू था, तब मुसलमानों को प्रॉब्लम हुई थी। हालांकि ढेरों मिसालें हैं हमारी फिल्मों में जहां लड़का हिंदू रहा है और लड़की मुसलमान रही है। मसलन यह फिल्म वीरजारा, दूसरी फिल्म गदर, यहां पर भी लड़का जो है वो सिख था और लड़की मुसलमान। रांझणा, यहां पर भी लड़का ब्राह्मण और लड़की मुसलमान। और हाल के दिनों में 2 ही ऐसी फिल्में हुई हैं जहां पे पुरुष जो है वो मुसलमान रहा है और लड़की मुस्लिम। एक वो केदारनाथ फिल्म आई थी और एक जोधा अकबर। तो ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां लड़का जो है वो हिंदू और लड़की मुसलमान रही है, और हम सबने उन फिल्मों को देखा है, पसंद किया है। सवाल यह है कि इस तरह की मिसाल देके तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या साबित करना चाहते हो, जबकि देश के सामने दूसरी अहम समस्याएं। मसलन आपकी स्क्रीन पर यह खबर, क्या आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में
कुछ ही दिनों में बांग्लादेश हमसे आगे हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश की सरल भाषा में कहें तो बांग्लादेश जो है आर्थिक तौर पर भारत से बेहतर हो जाएगा। और हमारे माननीय नेता जो हैं वो क्या कह रहे थे, बांग्लादेश से आने वाले लोगों को दीमक बता रहे थे। हमारे यहाँ पर भी बांग्लादेश को बदनाम किया जाता है, मगर वो तो इकोनॉमिकली आपसे बेहतर हो गए हैं, हमसे बेहतर हो गए हैं। और यही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बांग्लादेश हमें चुनौती दे ही रहा है, हम बद से बदतर हो रहे हैं। हमारी जो जीडीपी है वो नेगेटिव में आ गई है, -24%। पिछले 40-50 साल का हमने बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये मुद्दे होने चाहिए, मगर हम लोग तनिष्क वाले मुद्दों को उठाकर वहां पर अपना इंटॉलरेंस दिखाकर अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं। मुद्दे ये होने चाहिए। दूसरी तरफ एक अरसे से बांग्लादेश सोशल इंडिकेटर्स को लेकर हमसे बहुत आगे है। महिलाओं की सेहत, जच्चा बच्चा यानी कि मां बच्चा की सेहत, यहां तक कि बेरोजगारी को लेकर भी, इन तमाम मुद्दों पर बांग्लादेश हमसे कहीं बेहतर है। और बांग्लादेश को आप बदनाम करो, मैं कोई बांग्लादेश का हितैषी नहीं हूं, मगर मेरे लिए मेरे देश का सुधरना कहीं ज्यादा जरूरी है बजाय कि मैं दूसरों को गाली दूं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तनिष्क जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर अपनी मानसिकता बता रहे हैं, अपनी नफरत की उल्टी कर रहे हैं। ये तुम कर रहे हो। और दूसरी तरफ ये और खबर देखिए साहब, हमारे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कहने को ये राज्यपाल हैं साहब, इन्होंने एक लेटर लिखा है किसको, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। और इस लेटर का ये पत्र का ये हिस्सा मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अंग्रेजी में लिखा है मगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। इसमें भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व का अनुसरण करते रहे, यही नहीं, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तब आप अयोध्या के राम मंदिर गए थे और आप विट्ठल रुक्मिणी मंदिर भी गए थे पंढरपुर में, और यही नहीं, आप आषाढ़ी एकादशी में भी आपने अपना योगदान दिया था, मगर पिछले कुछ दिनों से आप लगातार धार्मिक स्थलों को खोलने का जो पूरी प्रक्रिया है उसे मुलतवी कर रहे हैं। क्या आप अचानक से धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं, हैव यू सडनली बिकम सेक्युलर? तनिष्क के जरिए हमने अपने अंदर के बदसूरत चेहरे को दिखाया। अब हमारे राज्यपाल जिन्होंने संविधान की कसम खाई थी वो धर्मनिरपेक्षता को देकर ताना मार रहे हैं उद्धव ठाकरे को। राज्यपाल हैं ये कोई 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल नहीं है, एक बहुत ही सम्मानित कुर्सी पर बैठने वाले राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं या ट्रोल तो कतई नहीं है आप। अपने पद की गरिमा को जानिए, संविधान की शपथ ली थी आपने, लिखित बयान दिया है, क्या शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है यहां पर? गजब है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपसे। तो देखा आपने, इकॉनमी बदतर, संविधान की मर्यादाओं का अनुसरण खुद राज्यपाल और पूर्व बीजेपी नेता नहीं कर रहे हैं, तनिष्क जैसे मुद्दों को लेकर हम अपनी नफरत को बतला रहे हैं, तो ऐसे में ये क्यों ना कहूं कि देश का डंका बज रहा है, देश शर्मिंदा हो रहा है, मैं आपसे ऐसा क्यों ना कहूं? बताइए, हम उस देश के वासी हैं जहां हाथरस में 19 साल की एक गुड़िया के साथ कथित गैंगरेप और उसकी हत्या हो जाती है और पूरी व्यवस्था आरोपियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। राज्य के एडीजी को लताड़ मिलती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि आपके पास क्या प्रमाण है और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसका बलात्कार नहीं हुआ था। उनको लताड़ मिलती है कि क्या अगर आपकी बेटी होती तो इसी तरह से रात को आप उसका अंतिम संस्कार कर देते। यानी कि इस पूरे मामले में भी, इस बलात्कार जैसे जघन्य, अकथित बलात्कार जैसे जघन्य मामले में भी पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, आरोपियों के साथ है। यही चीज हमने देखी थी कठुआ के दौरान, जहां एक 8 साल की मासूम का बलात्कार होता है और पूरी जो बीजेपी है वो एक यात्रा निकालती है आरोपियों के पक्ष में, जो बाद में जाके गुनहगार साबित होते हैं।
इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि आप किस तरह का डंका बजवाना चाहते हैं मेरे देश का? क्या आपको मेरे देश का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है, रत्ती भर भी ख्याल नहीं है? क्या करना चाहते हैं आप? एक विज्ञापन को बंद करवा देते हैं नफरत के चलते, और आपके पास कोई तर्क नहीं है, ठीक है? आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपकी इकॉनमी जो है, हमारी जो इकॉनमी है, वो बांग्लादेश से भी बदतर हो रही है। या मैं बांग्लादेश को क्यों गाली दूं? बांग्लादेश उठ रहा है, बांग्लादेश अच्छा कर रहा है, हम जहां के वहीं बैठे हुए हैं और नीचे जा रहे हैं रसातल में। और दूसरी तरफ बलात्कार जैसे मुद्दे पर, जहां हमें बदनामी साल 2012 से मिल रही है, निर्भया मामले में भी उस वक्त भी आपको याद होगा कितनी बदनामी हुई थी भारत की। मुझे याद है जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी में ग्रुप था जिसमें एक भारतीय पुरुष था, तो वहां के प्रोफेसर ने कहा था कि मैं उस भारतीय स्टूडेंट को अपने जो लड़कियां हैं उनसे थोड़ा अलग रखना चाहूंगा, सिर्फ निर्भया की वजह से। अब और बदनामी हो रही है, क्योंकि यहां पर सरकार जो है वो पीड़ित परिवार के साथ नहीं है। पीड़ित परिवार अपने जान की दुहाई दे रहा है लगातार। अदालत में देखिए ना किस तरह की गुहार लगाई उन्होंने। प्रभु, क्या करना चाहते हो तुम मेरे देश के साथ? क्या करना चाहते हो तुम मेरे देश के साथ? और आप जो मेरे दर्शक हैं, क्या ये इसका इस्तेमाल नहीं करोगे या खाली हो यहां से तुम? आज सत्ता है, कल को नहीं है, और जब तक तुम जाओगे तुम सूपड़ा साफ कर दोगे इस देश की इज्जत को लेकर। खैर, हमारे तो कार्यक्रम का नाम है कि बोल किला आजाद है तेरे। मैं तो ये मुद्दे उठाते रहूंगा, आपको सोचना है।